हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नहर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास नाइन्थ के चैप्टर ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सो द सिक्स्थ क्वेश्चन सेज, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच एबी इक्वल्स टू एसी, साइड बीए इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट एडी इक्वल्स टू एबी, शो दैट एंगल बीसीडी इज अ राइट एंगल। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है। ये है ट्रायंगल एबीसी जो एक आइसोसेलस ट्रायंगल है और इसमें एबी साइड एसी के इक्वल है। आगे क्वेश्चन में वो कहते हैं कि बीए साइड को उन्होंने आगे प्रोड्यूस किया डी पॉइंट तक इस तरह से कि जो ये एडी है दिस पार्ट, ये आपका इक्वल है एबी के। तो एबी, एसी और एडी, ये तीनों लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल है। ये डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट एंगल बीसीडी इज अ राइट एंगल। जो ये वाला एंगल है हमारा बीसीडी, ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखिए किस तरह से स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में हमें गिवन है दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, उसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि इन दोनों साइड्स के जो सामने के एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो देखिए, इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। इसी तरह से इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अब हम मेन फिगर में देखें, ए बी सी ट्राइंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ए बी के सामने एंगल हुआ हमारा ये वाला और ए सी के सामने एंगल हुआ ये वाला। तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे। तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। और प्रॉपर्टी है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और हम इस इक्वेशन को मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, ए बी हमें ए डी के इक्वल भी गिवन है क्वेश्चन में। ये ए बी ए डी के इक्वल है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। देयरफॉर ए डी बिकम्स इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि देखिए, यहां पर हमारे पास था ए बी ए सी के इक्वल है और यहाँ है हमारे पास ए बी ए डी के इक्वल है। अगर हम फिगर में भी देखें, ए बी ए डी के इक्वल, ए बी ए सी के इक्वल, तो ऑब्वियसली ए डी और ए सी भी हमारे आपस में इक्वल होंगे। और इसका रीजन हम लिख देंगे, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देखिए, अब हम लेंगे ट्रायंगल ए डी सी। ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, इसमें हम अभी अभी प्रूफ कर चुके हैं दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी। अब यहां पर भी हम सेम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो हमने ए बी सी ट्रायंगल में करी थी। देखिए, ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इन दो साइड्स के सामने कौन से एंगल बन रहे हैं, इस साइड के सामने बन रहा है ये वाला एंगल ए डी सी और इस साइड के सामने बन रहा है ये वाला एंगल ए सी डी। तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। और यहाँ पर भी हम सेम वही प्रॉपर्टी कॉपी कर देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इस इक्वेशन को हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए, जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आएंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे।
adding equation 1 and equation 2. जब हम दो equations को add करते हैं तो rule ये रहेगा कि left side left में add होगी और right side right में add होगी. तो first equation की left side है हमारे पास angle ACB plus, और second equation की left side है हमारे पास ACD angle equals to first equation की right side ABC angle और इसकी right side angle ADC. तो अब देखिए ACB plus ACD ये situation आई हमारे पास. अगर हम इसको figure में देखें तो ACB हमारा ये वाला angle है और ACD हमारा ये angle है. अब अगर फिगर के हिसाब से इन दोनों एंगल्स को ऐड किया जाए तो हमारा ये पूरा एंगल बन जाएगा ये, और इसका नाम क्या है, एंगल BCD. और अगर हम यहां देखें तो ABC को तो हम एज सच लिख देंगे. अब ADC को देखिए, ADC हमारा ये वाला एंगल है. तो अगर मैं ADC को एंगल BDC बोलूं तो कोई चेंज नहीं होगा उस बात में, क्योंकि देखिए बेसिकली एंगल तो ये है. तो मैं AD साइड लूं या BD साइड लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंगल के ऊपर. तो इसलिए ADC एंगल को हम रीनेम कर देंगे BDC में. और रीजन क्या रहेगा हमारा, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDC. अब देखिए, अब हमें इस क्वेश्चन में एक और ट्रिक अप्लाई करनी है. वो ट्रिक क्या है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम BCD एंगल को ऐड कर देंगे. देखिए ये क्या बन जाएगा हमारा, एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD. देखिए ये BCD और ये BCD हमने इस इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड कर दिया है. ये BCD ऑलरेडी था यहाँ पर, ABC ऑलरेडी था, BDC ऑलरेडी था, बस ये BCD लेफ्ट में इधर और राइट में इधर हमने ऐड कर दिया. यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है. देखिए अगर हम इस ट्रिक को अप्लाई नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा. तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ BCD प्लस BCD ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल BCD, दोनों सेम है हमारे. और इन तीनों को देखिए आप, ABC ये एंगल है, BDC ये वाला एंगल है और BCD ये एंगल है. ये इस तरह से हमारे पास तीन एंगल्स आ रहे हैं, ये और ये. और हमें मालूम है ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो इन तीनों के सम में हम लिख देंगे 180 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो BCD हमारा आ गया 90 डिग्री और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना. तो हम यहाँ लिख देंगे, सो एंगल BCD इज अ राइट एंगल, हेंस प्रूव. होपफुली आपको इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गई है. और फ्रेंड्स मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.